गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी दिवाली। और मेरी मेहंदी रच गई है। रियल में तो और ज़्यादा डार्क दिख रही है ये, देख लो। मस्त रची है, मस्त वाली। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली वाले दिन का ही व्लॉग है, तो बहुत सारे काम है, बहुत ही अच्छा व्लॉग शूट होगा, एंड तक आप ज़रूर देखना। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ और मैंने थोड़ी एडिटिंग कर ली और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और फिर भाई को बोल रही थी हेलो, कौन कैमरे के सामने देखो, पर वो दूध वगैरह पी रहा था। और फिर यहाँ पर हमने माला वगैरह लगाई, घर के बाहर माला लगाते हैं ना, दिवाली वाले दिनों में मस्ती करी थी बाहर। मेरा भाई वीडियो ले रहा था। मंदिर में भी माला लगाई थी, ऊपर नीचे के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वहाँ पर अच्छे से माला लगाते हैं, सभी लगाते हैं, सब कॉमन है। तो और लाइटिंग वगैरह भी ऑलरेडी लग चुकी थी। और फिर मैं नीचे चली गई मम्मी के साथ हेल्प कराने। यहाँ पर मम्मी लौकी काट रही है क्योंकि इडली सांभर बन रहा है ना, इसलिए सांभर मम्मी बनाएगी। और ये इडली का पूरा गोल मैंने बना दिया अच्छे से। और फिर उसके बाद में मेरे को याद है कि मुझे दीपदान करना था, मैं भूल गई। तो मैं मंदिर जाके फटाफट से, मतलब मंदिर में जाके मैंने दीपदान किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारा काम था। और फिर मैंने आगे इडली सांभर का साँचा निकाला और उसमें इडली को बनाना शुरू कर दिया। और सुबह सुबह ही हमने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि इडली सांभर भरने में टाइम लगता है। तो ऐसे इडली को मैंने भरा और इडली पक भी गई थी, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बन थी। ये देख लो, ये बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन गई फटाफट से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये गर्मा गर्म इडली बन के तैयार है। देखो कितनी अच्छी थी। फिर मैंने बर्तन धोए और ऐसे बर्तन धोती जा रही थी, मेरी मेहंदी भी कितनी डार्क रच गई। और फिर उसके बाद मम्मी ने फटाफट से सांभर बना लिया। सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत यम्मी था, मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला टेस्टी बनाया था मम्मी ने। तो आज हम गर्मा गर्म इडली सांभर खाने वाले हैं। मम्मी ने सांभर बनाया फिर सांभर बना दिया मम्मी ने, फिर उसके बाद वापिस से बर्तन हो गए, मैंने वापिस से बर्तन धोए। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, मुझे दो दो बार मांजने पड़ते हैं। फिर ये मेहंदी दिखाई थी आपको, देखो एक्चुअली में कलर ऐसा था इसका, कितना ज़्यादा डार्क था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी मेरी डबल डबल मेहनत लग गई, आपको पता ही है, दो बार मेहनत लग गई है। तो अभी मैंने बाल भी धो लिए हैं यार, क्योंकि रात को हम थोड़ा कर्ल या स्ट्रेट करेंगे, इस वजह से मैंने बाल धो लिए हैं। और मेहंदी इतनी प्यारी रच गई है यार, देखो वो तो क्या नीता मेहंदी थी, इसलिए ये तो प्रेम धुलन तो बहुत बेकार थी। और अभी सोच रही हूँ कि यहाँ से थोड़ा झाड़ू पोछे कर लूँ। फिर मैंने ये अच्छे से झाड़ू पोछे कर दिए, देखो फ्लोर कितना ज़्यादा चमक रहा है, दिवाली है ना इसलिए मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है, गैलरी की भी। फिर यहाँ पे मेरे बाल को सुखाने के लिए मैं धूप में आ गई ताकि मेरे बाल जल्दी जल्दी सूख जाए। और फिर मेरे को रंगोली बनाने भी जाना था, ऑलरेडी लेट हो गई थी मैं। और फिर ये मैच स्टार्ट हो गया था, भाई ने टीवी चालू करी और फिर मैच देखना शुरू कर दिया। उसको बहुत ज़्यादा शौक है और दिवाली के दिन ही मैच आ रहा था तो वो लगा के बैठ गया था। तो मैं हो गई हूँ रेडी रंगोली बनाने के लिए, तो चलो रंगोली बनाते हैं। और दिवाली वाले दिन थोड़े मैंने ढंग के कपड़े भी पहन लिए। यहाँ पर मैंने अपनी रंगोली बनाना शुरू कर दी है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है मेरी रंगोली, क्योंकि इसको 3 घंटे लगे मुझे पूरी रंगोली बनाने में। और मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी बहुत ही धीरे धीरे। पूरा सारा काम मैंने रंगोली का मैंने खुद ने किया, किसी ने हेल्प भी नहीं कराई और मेरे को हेल्प की ज़रूरत लगती भी नहीं है। और ऐसे बैठ बैठ के बिल्कुल मैंने रंगोली बना दी है। इसका पूरा क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आप जान पाओ कि कैसी रंगोली बनाई है मैंने। फिर मैं हाथ वगैरह धो के आ गई तो, और फिर मैंने सोचा आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ रंगोली का, क्योंकि इतनी मेहनत करके बनाई है मैंने। तो चलो, मेरी चाची वगैरह सबको पसंद आई थी, भाई वगैरह सब बैठे थे यहीं पर ही मेरी हेल्प करा रहे थे। ये देखो कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मेरी रंगोली कम्प्लीट हो गई। फिर ये तनु अपनी रंगोली बना रही थी, उसकी भी मैंने हेल्प कराई। गाइस मेरी रंगोली बनी हुई है और यहाँ पे कार आ गई है, अब पक्का इस पे चढ़ के जाएगी है, देख लेना, मुझे लगता है चढ़ेगी जरूर। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी रंगोली बनाई है मैंने। हाँ वही तो, रंगोली पे आ रही है भैया,
भैया प्लीज समझो। मेरी रंगोली पे गई। हाँ भैया उधर लो। और फिर मैं अंदर आके नाश्ता वगैरह करने लग गई क्योंकि भूख लग गई थी बहुत। चकली खाई और मटरी लड्डू वगैरह जो भी मम्मी ने बनाए थे सब खा रही थी मैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मेरे को और नाश्ता तो करना बनता ही है। बाल ऐसे बिखर रहे हैं ना, रंगोली बना के आ गई और भाई बोल रहा है कि दीदी मेरे लिए मैगी बना दे। तो भैया उसके लिए मैं मैगी बना रही हूँ। अभी तो मैगी बनाने की हालत में तो हूँ नहीं मैं बिल्कुल भी, बट फिर भी मैं मेरे भाई के लिए मैगी बनाऊंगी। और रंगोली रंगोली क्या, रंगोली तो एक नंबर बनी है और साथ में मेरी मेहंदी भी। ये हमारी मैगी, दो ही मैगी बस। यहाँ पर मम्मी मेरा क्लिप ले रही थी, मैं मैगी बनाई थी, ज़रा सी तो मैगी थी और वो भी हमने थोड़ा नाश्ते के लिए खाई थी क्योंकि हम रात को खाना लेट खाने वाले हैं। यहाँ डांस कर रही थी मैं। यहाँ पर मेरी जो मैगी है वो पूरी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल टेस्टी। ऐसी सिंपल ही मैगी बनाती हूँ मैं। और फिर मैं रेडी होके आई, मम्मी हम दोनों तैयार हो गए थे और पूजा हो रही थी, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर। मम्मी पापा ने पूजा कर ली थी, मैं रेडी होने में बिजी थी। और ये देखो माला वाला चढ़ा दे, दिया बत्ती अगरबत्ती सब हो गई, पूजा पाठ कंप्लीट। और फिर मेरा ड्रेस का लुक, मैंने बोला भाई को कि शूट कर ले, ये मेहरून कलर की साड़ी बनारसी पहनी थी मैंने विद अ ग्रीन ब्लाउज। और देख लो कितनी ज़्यादा अच्छी मैंने खुद ने पहनी है साड़ी, आपको बता दूँ मैं। अच्छा लग रहा है मेरा मेकअप और कैसे रेडी हुई हूँ मैं, आप ज़रूर बताना कमेंट में। और ये देख लो मेरी साड़ी बहुत ही सुंदर है, रेड कलर की बिंदी, रेड कलर की लिपस्टिक और इस टाइप से मैंने बालों को स्ट्रेट करा है। एक से डेढ़ घंटे में मैं, मम्मी, भाई हम तीनों तैयार हो गए। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रेडी हो चुके हैं, देख लो मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैं थोड़ा लाइनर वगैरह लगाती हूँ, मम्मी नहीं लगाती, उनको एलर्जी है इसलिए। तो अब हम नीचे चलते हैं फटाके चलाने, और भाई भी तैयार हो गया मेरा। भाई आ जा, भाई को मिला दे, ये मेरा भाई। और ये ड्रेस लुक मैंने आपको बता दिया है, मेरे भाई का था जो मैंने चूज करा था, ब्लैक व्हाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन। और फिर हम सब बाहर आ गए थे ऑब्वियसली क्रैकर्स वगैरह छुड़ाने के लिए। अभी फिलहाल तो देखते हैं यार क्या क्या, इतने सारा एटम बम लेडी बम सब फोड़े जा रहा है मेरा भाई। फिर यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी पूरी 10 की 10 लड़ जलाने के लिए। और मैंने भाई को बोल दिया था कि भाई गेट खोल देना, मैं आऊँगी अंदर दौड़ के। और फिर जलाई मैंने और फटाफट से दौड़ के आई अंदर। और फिर ये धूमधड़ाक का चल्लू हो गया पूरा, ये देख लो। देखा कैसे मैंने लड़ की लड़ पूरी चला दी, भाई ने बोला था आजा थोड़े फटाके चला रहे, मैंने फुलझड़ी अनार तो चला ही लिए थे, अब ये लड़ भी चला ली यार। अब लास्ट में मम्मी हम दोनों फुलझड़ी से खेलेंगे, अब ये भाई अपने फटाके बंद करे तब ना। हैप्पी दिवाली। मैं अभी मम्मी का जूड़ा दिखा रही हूँ गजरा लगा के जो मैंने बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा है। अनार फुलझड़ी चक्री सब जला ली है और अब सोच रहे कपड़े चेंज कर ले, पूजा पाठ सब कुछ हो गया, मैंने तो खाना नहीं खाया यार। अब चेंज करके खाना खाऊंगी और फिर फटाके फोड़ूंगी मैं। आपने देखा मम्मी ने भी
भी मस्ती करी बहुत हमारे साथ में, और अभी भी शोर शराबा चल ही रहा है यार। मैं तो अब क्या खाना खाने का वेट कर रही हूँ। अब जैसे भाई आएगा, विशाल ने खाया खाना? नहीं खाया ना, तो हम दोनों साथ में खाएंगे, इडली सांभर खाऊंगी यार, मेरे को तो बड़े ही खाने का मन कर रहा है। देखो मेरी फ्रेंड, हाय, साड़ी पहनी इसने भी, इसकी साड़ी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे तनु का ड्रेस देख लो आप, बहुत अच्छा था। और आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं वो भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे दिवाली, तो मैंने थोड़े बहुत कैप्चर कर लिए उनके पिक्स वीडियोस भी। और ऐसे हमने दिवाली सेलिब्रेट करी, बहुत अच्छी रही हमारी दिवाली। आपकी कैसी रही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी ड्रेस लगी, कैसा व्लॉग लगा आपको तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसे और व्लॉग बना पाऊँ। अच्छी से, मतलब कितने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी पूरी कॉलोनी वाले। ये देखो पीछे बहुत सारे पटाखे छुड़ा लिए, बहुत सारे फोटोज ले लिए मैंने, और ये थोड़ा आप देख लो कॉलोनी की रौनक। इतनी थक चुकी हूँ, और ये रूम का हाल देख लो, ये शूट किया था मैंने मम्मी के साथ में, और ये चूड़ियों का बॉक्स, और ये बिल्कुल मैस हो चुका है पूरा। और वहाँ पे भी अभी मैं तो नीचे जा रही हूँ यार खाना खाने, ये बाद में करूँगी, अभी नींद भी आ रही है मुझे तो। ओके, तो अभी मैंने इडली सांभर खा लिया, मेकअप वेकअप सब उतार लिया, खाना भी खा लिया यार। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, 11-12 बज चुके हैं। अब फटाफट से हम ऊपर जाके टहल के आते हैं, और फिर जब बिस्तर लगाएंगे तब आपसे मिलूंगी मैं। That's it for today's video, guys. I hope आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो यही पर ही हम एंड करेंगे। बाय बाय।